एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे शातिर खिलाड़ी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नींद उड़ी हुई है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चली गई एक चाल से शरद पवार के बड़े बड़े दावों की हवा निकल चुकी है और अब एनसीपी नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए शरद पवार दर दर ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। अचानक से बैकस्टेबर शरद पवार को बाला साहब ठाकरे जी की याद आती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की भूल करने वाले शरद पवार शिवसेना की तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के रचयिता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे? ऐसे वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना काफी मुश्किल हो चुका है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ही नहीं बल्कि उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत की भी नींद उड़ी हुई है। कल तक बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर गालियां निकाल रहे थे, लेकिन आज अचानक से संजय राउत है वो बीजेपी के पैरों में गिर चुके हैं। ऐसे सवाल कई हैं और जवाब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पता हो, क्योंकि वही पिछले 7 साल से देश के सबसे बड़े नेता हैं। ये सिर्फ हम ही नहीं कहते या मानते हैं, बल्कि हाल के समय में मोदी सरकार से पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत का भी यही मानना है। वही संजय राउत जिनकी बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का साथ छुड़वाने में थी, बीजेपी और शिवसेना के बीच में दरार पैदा करने का काम संजय राउत की तरफ से किया गया था और पर्दे के पीछे उद्धव ठाकरे एवं शरद पवार के बीच में गोटी फिट करने का काम भी संजय राउत की तरफ से ही किया गया था। राउत के इस बयान को लेकर के फिर से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर के अटकलें तेज हो चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह से शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अचानक से बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलाई है, उसने इन क्यासों को और भी ज्यादा बल दे दिया है। संजय राउत जलगांव के दौरे पर थे, उसी दौरान पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें अब ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, तो जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि न तो किसी मीडिया रिपोर्ट पर वो विश्वास करते हैं और न ही इस मामले में कोई कमेंट करना चाहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने अपनी सर्वोच्च सफलता पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हासिल की है और नरेंद्र मोदी जी न केवल भाजपा के बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस तथ्य से कोई भी इनकार है वो नहीं कर सकता। इस तरह की बात संजय राउत की तरफ से कही गई है। राउत के इस बयान से पहले उद्धव ठाकरे ने दिल्ली से आकर के 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मुलाकात की थी और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार एवं कांग्रेस कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण भी थे। लेकिन अटकलों का दौर तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग से हट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक व्यक्तिगत मुलाकात भी की जो लगभग 20 मिनट से ज्यादा चली थी। उससे भी चौंकाने वाला था इस संबंध में ठाकरे का बयान। उनसे व्यक्तिगत मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे नवाज शरीफ से मिलने तो नहीं गए थे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं तो इसमें गलत क्या है। ठाकरे ने यह भी कहा कि वो राजनीतिक तौर पर साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका आपसी संबंध टूट गया है। अब उद्धव ठाकरे किस संबंध की चर्चा कर रहे हैं अपने बयान में, ये काफी चौंकाने वाला था। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। उस पर संजय राउत का बयान, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। फिर 10 जून को एनसीपी के 22वें स्थापना दिवस पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का यह कहना कि उन्हें शिवसेना पर पूरा भरोसा है और यह सरकार अगले 5 साल तक चलेगी। राजनीति में अटकलों को हवा मिलने के लिए इतने संयोग काफी है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें शिवसेना पर पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे संशय के बीच बाला साहब ठाकरे को भी याद किया गया। कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी को दिए गए अपने वादे के अनुसार उनकी सहायता करने के लिए अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे थे। शरद पवार ने कहा कि शिवसेना विश्वास के योग्य है और उनकी सरकार भी अपने 5 साल पूरे करेगी। यानी कि कहा जा सकता है शरद पवार को अब तक क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर भरोसा नहीं था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के रचयिता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को क्या अब तक उद्धव ठाकरे
ठाकरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना को खुश करने की कोशिशें की जा रही है। और इस राजनीतिक घमासान से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में मुलाकात हुई थी। फडणवीस एकनाथ खड़से से भी मिलने गए थे, जिनके साथ उनके संबंध बेहद ही तलख हैं। इतना ही नहीं, मराठी दैनिक तरुण भारत ने बीते महीने एक रिपोर्ट छापी थी, उसमें बताया गया था कि पवार को पछतावा हो रहा है, उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना उनकी भारी भूल थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उद्धव ठाकरे द्वारा शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी प्रमुख ने संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए आयोजित बंगाल में पंडरपुर नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल थाटे ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने राउत से कहा है कि वह खुद या फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में जितना कुछ पर्दे के आगे दिख रहा है, उससे ज्यादा चालें हैं वो पर्दे के पीछे चली जा रही है। ऐसे में कब कौन किस करवट बैठेगा, अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। वैसे भी महाराष्ट्र वही प्रदेश है जहां पर एनसीपी नेता अजीत पवार रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं, जिसके बाद में उद्धव सरकार का निर्माण होता है और उद्धव की कैबिनेट में भी अजीत पवार जगह बना लेते हैं। ऐसे में कहना काफी मुश्किल है कि महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच में मुलाकात को लेकर के कहा जा रहा था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी सीएम गद्दी छोड़ दे और एनसीपी को सौंप दे, एकनाथ शिंदे जैसे या अन्य किसी भी नेता को सौंप दे। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करके एक बड़ा संदेश जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दिया है, उससे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पहले से ही शरद पवार को बैकस्टेबर यानी कि पीठ पीछे चूरा गोंपने वाला नेता बता चुका है। देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर कांग्रेस के नेताओं का इस तरह का बयान आ चुका है। कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चाहे बीजेपी एनसीपी साथ आकर के सरकार बनाए, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दबाव की राजनीति करने के लिए बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हो, चाहे अमित शाह के साथ मुलाकात भी कहीं ना कहीं शरद पवार ने राजनीति में दबाव बनाने के लिए की हो। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे संजय राउत के जो बयान बदल चुके हैं, जो उनकी बोली बदल चुकी है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना नेताओं में खिचड़ी जरूर पक रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पूरे 5 साल के लिए चलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस की कामयाबी महाराष्ट्र में करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।